संपूर्ण विश्व में यह बात सदियों से चली आ रही है कि जब जब युग भ्रमिक राह पर चलने लगता है, तब तब एक युग पुरुष का अभ्युदय होता है जो उस युग को सत्य और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। वह आने वाली आक्रोश की आंधी से भयभीत नहीं होता, वह तो मेरु के समान अकंपित हो उसका सामना करता है और जगत को भी उससे लड़ना सिखाता है। बात है 25 मई 1935 की, जब उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद के एक छोटे से गांव बरोदा स्वामी में जैन धर्म श्रावक उत्तम हरदास भारल्य के यहाँ युग पुरुष हुकमचंद भारल्य का जन्म हुआ। पिता हरदास ने अपने दोनों पुत्रों को बड़ी कठिनाई से पाला। साहूकारी के व्यवसाय से जितनी आमदनी होती थी वो अधिकतर माता पार्वती बाई के इलाज में लग जाती थी। वे स्वयं बताते हैं कि जो उनके पिताजी थे वे रात में भी उनके घर का गेट खुला रखते थे और कभी वहाँ चोरी करने आता था तो वह चोरी करके आसपास के घरों में तो चोरी करके चला जाता था, लेकिन उनके घर कभी नहीं आए। क्यों? क्योंकि गांव वालों के साथ साथ उन चोरों को भी यह ज्ञात था कि उन्हें उनके घर से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब आदरणीय दादा मुरैना विद्यालय में अध्ययन करते थे तब वे और बड़े दादा एक ही पुस्तक में से पढ़ा करते थे ताकि जो उनके पैसे हैं वे बच सकें। परंतु हरदास जी भी जीवन की विषमता के समक्ष झुकने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी एक संकल्प लिया, अपने दोनों पुत्रों को पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का और पंडित बनाने का। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वे संकल्पित पुरुष कभी हताश ना हुए। आओ चलते कुछ समय पूर्व, संकल्प लिया जिसने अपूर्व, सुत को विद्वान बनाने का, जिन शासन ध्वज फहराने का। पर विधि लीला होती अजीब, असबाब न था उनके नसीब, छोटा सा था व्यवसाय एक, खर्चे थे बहुतेरे अनेक। पर नाम था उनका हुकमचंद, कैसे पढ़ सकता भाग्यमंद, पढ़ना उनकी नस नस में था, विद्वान बना रग रग में था। एड़ी चोटी का जोर लिए पितु ने भी संकट मोड़ दिए, था खून पसीना एक किया, पुत्रों को पढ़ने भेज दिया। आशीष पिता का साथ मिले, संकल्प पिता का हाथ मिले, संघर्ष भरा तट पार किया और पिता स्वप्न साकार किया, और पिता स्वप्न साकार किया। ऐसे अनुशासित एवं कर्मनिष्ठ पुरुष की संतानें भी गीली मिट्टी के समान किसी भी परिस्थिति रूपी सांचे में ढल जाने योग्य बनी। कुछ वर्ष बाल्यावस्था में घर से 5 किलोमीटर दूर प्राथमिक शिक्षा लेने आप जाया करते थे। धर्म की शिक्षा के लिए आपके पिताजी ने दोनों भाइयों को पपोरा पढ़ने भेजा। वहां आप 4 महीने तक रहे और अगले 5 से 6 वर्ष की पढ़ाई के लिए आप श्री गोपाल दिगंबर जैन विद्यालय मुरैना में भर्ती हो गए। 1954 में आप शास्त्री व न्याय तीर्थ की परीक्षा से उत्तीर्ण हुए ही थे कि साल भर में आपका हाथ पंडित चुन्नीलाल जी चंदेरी वालों की सुपुत्री गुरमाला जी के हाथ में थमा दिया। अक्षय तृतीया के दिन आपका उनके साथ विवाह हुआ, पश्चात आपकी शुभ संतानें हुई। 1958 में एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम आपने शुद्धात्म प्रभा रखा। फिर एक पुत्र का जन्म 1959 में हुआ जिसका नाम परमात्म प्रकाश रखा। 1962 में एक और पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अध्यात्म प्रकाश रखा। पश्चात 1963 में एक और पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम आपने अध्यात्म प्रभा रखा। आप तो इनकी संतानों के नाम से ही उनके जीवन में सद्धर्म के स्तर को परख सकते हैं। आदरणीय हुकमचंद जी भारल्य को हम एक नाम परिभ्रमक भी दे सकते हैं। संघर्ष की इस लड़ाई में वे कई स्थानों से गुजरे,
मुरैना से वापस गांव पहुंचे, फिर वहां से भीलवाड़ा के लिए निकले। वहां से महुआ, 4 महीने महुआ रहकर घर वापस पहुंचे और वहां से पारोली के लिए चले गए। इस प्रकार आपका बिना सरकारी नौकरी के ही स्थानांतरण होता रहा। इसी बीच एक घटना हुई जो दोनों दादा के जीवन में एक विशाल परिवर्तन के रूप में सामने आई। बात है सन 1956 की, जब दोनों भाई बबीना में एक दुकान चलाया करते थे। एक बार दशहरे के आसपास आपके बड़े भ्राता पंडित रतन चंद जी शास्त्री दुकान का सामान लेने झांसी गए थे। वहां एक व्यक्ति ने उनसे प्रश्न किया कि जब केवली भगवान ने जैसा देखा जाना कहा वैसा ही होगा, उसमें कोई फेर बदल संभव नहीं है, तो फिर पुरुषार्थ कहाँ रहा? जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हम कुछ करें ही क्यों? उस प्रश्न ने उनके हृदय को झकोर डाला, वे स्तब्ध रह गए। उसके उत्तर में उन्होंने कहा, भाई तुम बात तो ठीक कहते हो, पर मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अगले शनिवार को आऊंगा, तब बात बताऊंगा। आते ही कोई और बात किए बिना उन्होंने सीधा आपसे वही प्रश्न पूछा। आप भी विचार में पड़ गए, परस्पर चर्चा होती रही, पर बात कुछ जमी नहीं। शाम को प्रवचन में भी जब आपने वही चर्चा करी, तब एक अभ्यासी बाई बोली, इसमें क्या, यह तो कांजी स्वामी की क्रमबद्ध पर्याय है। और तभी आपके जीवन में प्रवेश हुआ क्रमबद्ध पर्याय का। फिर क्या था, तभी से गंभीर अध्ययन चिंतन चर्चा वार्ता आरंभ हो गई। इसकी धुन ऐसी लगी कि व्यापार का क्रम गड़बड़ा गया। इस तरह फलस्वरूप अन्य सिद्धांत जैसे निमित्त उपादान कर्ता कर्म आदि सभी का सही स्वरूप स्पष्ट होता चला गया। बाद में स्वामी जी के पहली बार 1957 में दर्शन हुए। पश्चात गुरुदेव जहां जहां जाते, दोनों भाई अध्यात्म के पिपासु बन उनके पीछे जाते और उनकी प्रवचन चर्चाओं का लाभ लेते। इस प्रकार अध्यात्म का रसास्वादन करते दोनों भ्राता कृतकृत्य हो गए। इस क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से आपने कई विरोधों को जीता है। आप स्वयं कहते हैं कि क्रमबद्ध पर्याय एक ऐसी संजीवनी है जो हर स्थिति में धैर्यता को कायम रखती है, शांति प्रदान करती है। इसके निर्णय में सर्वज्ञता का निर्णय समाहित है। आज से लगभग 30-40 वर्ष पूर्व की बात है, जब आदरणीय दादा फिरोजाबाद में 10 लक्षण महापर्व के लिए गए थे, तो वहाँ पर 10 लक्षण में सुगंध दशमी का दिन था, पंडाल प्रवचन चल रहे थे, जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर प्रवचन सुनने हेतु आई थी। जितनी जनसंख्या सुनने आई थी उतनी ही विरोध करने के लिए भी आई थी। विरोधियों का वहाँ पर झुंड लग गया था, कुछ विरोधी तो झगड़े पर भी उतर आए थे, पर आदरणीय दादा इतने दृढ़ श्रद्धानी थे, इतने निडर थे कि अपने तत्व ज्ञान की बात को बिना डरे लोगों तक पहुंचाते रहे। भले ही लोग उनका विरोध करते रहे पर वे बिल्कुल नहीं डरे। और बाद में क्या हुआ कि जिस पंडाल में प्रवचन कर रहे थे वहीं पर बहुत बारिश होने लगी और पंडाल में से पानी गिरने लगा। सब लोगों को डर लगा कि दादा को कुछ हो ना जाए, परंतु वो बिल्कुल नहीं डरे। यह तत्व ज्ञान का ही प्रभाव है। एक तरफ डॉक्टर भारिल्ल का परिभ्रमण और स्वाध्याय निरंतर चल ही रहा था कि यहाँ आदरणीय गोदिका जी ने गुरुदेव श्री की प्रेरणा से पंडित टोडरमल स्मारक भवन बनाया और वे इसके लिए एक सुयोग्य विद्वान की तलाश में थे। स्वामी जी ने इस भवन के उद्घाटन समारोह में कहा, जड़ स्मारक तो बना लिया, लेकिन जब तक यहाँ से धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य शुरू नहीं होगा तब तक इसमें चेतनता नहीं आएगी। इस तलाश का अंत भी आदरणीय छोटे दादा के समक्ष आकर हुआ। आप इंदौर में प्रतिवर्ष ग्रीष्मकालीन शिविर में जाया करते थे, वहीं आपकी भेंट प्रथम बार गोदिका जी से हुई। गोदिका जी ने प्रस्ताव रखा
और आपने 2 दिन का समय लेकर पूरी योजना बनाई और प्रस्तुत करी। बस फिर क्या था, गोदिका जी ने आपको वहां से बीच एमए से छुड़ा के अपने साथ जयपुर ले आए और फिर शुरू हुआ डॉक्टर भारल्ल के जीवन का दूसरा पड़ाव, जहां उन्होंने स्थापना करी श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की और वीतराग विज्ञान शिक्षा बोर्ड आदि की। आप पाठ्यक्रम बनाते गए और विद्यार्थियों को पढ़ाते गए, साथ ही आपने अपूर्व रचनाएं करना भी प्रारंभ कर दिया। पश्चाताप। आदरणीय दादा द्वारा मात्र 17 वर्ष की उम्र में लिखा गया यह काव्य उनकी प्राप्त रचनाओं में से संभवतः सबसे पुरानी रचना है। इस काव्य में सीता की अग्नि परीक्षा और दीक्षा के पश्चात राम के मन में हुए ताप का प्रस्फुटन है, अतः इसका नाम पश्चाताप है। इसमें राम के मन में चल रहे उद्वेग, अंतर्द्वंद और संवेदनाओं के चित्रण के माध्यम से नारी जीवन, लोक नीति, धर्म नीति, न्याय सिद्धांत, कर्म सिद्धांत और क्रमबद्ध पर्याय के गूढ़ रहस्यों को चित्रित किया गया है। सत्य की खोज आदरणीय छोटे दादा का एकमात्र उपन्यास जो अत्यंत सशक्त अव्यक्ति प्रदान कराने वाला है। इस उपन्यास में रूढ़िवादी से ग्रस्त नायिका रूपवती तथा तर्क प्रदान नायक विवेक के माध्यम से धर्म के नाम पर चल रही कुरीतियों, पाखंड, मिथ्या तंत्र मंत्र और ढोंगी साधु महात्माओं पर तीखा प्रवाह करके जैन धर्म के सिद्धांत को बहुत ही सरल सुबोध सहज भाषा में समझा दिया है। मैं कौन हूँ, इस कृति में आदरणीय छोटे दादा बताते हैं कि मैं शब्द का प्रयोग हम नित प्रतिदिन करते हैं, लेकिन इस शब्द का अर्थ जानने का प्रयास हम कभी नहीं करते। यदि कोई पूछ ले कि मैं कौन हूँ तो हम उत्तर में बता देते थे कि मैं बालक हूँ या जवान हूँ, लेकिन सोचा जाए तो यह उत्तर योग्य नहीं है, क्योंकि यह तो कुछ काल के लिए ही है कि कल मैं बालक था और आज जवान हो गया, अर्थात कि यह उत्तर गलत हुआ। और अधिकांश लोग सबको जानते लेकिन जानने वाले कोई नहीं जानते, अर्थात कि मैं एक त्रिकाली शुद्ध आत्मा। का जवाब काली से भी नहीं। यह किताब नागपुर के एक बहुप्रचलित प्रसंग के ऊपर आधारित है। जब वहाँ की एक समाज द्वारा जिनवाड़ी माँ का अति अनादर किया था, तब मोमोक्चु समाज अति उत्तेजित हो गई थी, मानो मन ही मन में जैन बंधुओं की युद्ध चल रहा हो। परंतु सद्भाग्य से आदरणीय छोटे दादा भी नागपुर में उपस्थित थे। उन्होंने अपने प्रभावी व्याख्यान से सभी को शांत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि विवेक के बिना कोई काम सफल नहीं होता। समाज में आक्रोश फैलाना मतलब स्वयं के घरों में आग लगाने के जैसा है। समाज में एकता है तो सब कुछ है। क्रोध आदि करने की बात तो दूर, हमें तो गोली का जवाब गाली से भी नहीं देना। सहजता। एक अभूतपूर्व लघु काव्य रचना जो संपूर्ण जिनागम का सार बताती है। सहजता हमारे जीवन का एक ऐसा परम सत्य है जो बताता है कि जगत के सभी पदार्थों का परिणमन पूर्व सुनिश्चित है, उसमें कोई फेरफार नहीं कर सकता। अतः उसमें परिवर्तन करने का विकल्प न केवल वस्तु स्वभाव की अस्वीकृति रूप अपराध है, अपितु अनंत आकुलता का कारण भी है। सहजता इस अनंत आकुलता से छुड़ाकर सभी विकल्पों से निर्भर होने का एक अटूट मंत्र है। क्रमबद्ध पर्याय। इसमें आदरणीय छोटे दादाजी ने जो सारा जगत यह मानता है कि बाहर में होने वाले कार्यों का कर्ता मैं हूँ, उसका निषेध करके ये कहा कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का कर्ता क्या काम। इसके साथ ही साथ जो लोग इस सिद्धांत को समझकर यह कहते हैं कि फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, तो उन्होंने यही कहा कि पुरुषार्थ तुम्हारा बाहर में नहीं, पुरुषार्थ स्वयं में ही होता है। समाधि मठ और संलेखना में आदरणीय दादा ने जो समाज में फैली हुई कुरूतियां हैं, जो समाधि के संबंध में उन सभी कुरूतियों का इस कृति में निराकरण किया है। साथ ही दादा ने कहा है कि समाधि मरण मरण नहीं जीवन है। चैतन्य चमत्कार यह पुस्तक एक संकलन है युग सृष्टा आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी से डॉक्टर हुकमचंद जी भारेल द्वारा लिया गया साक्षात्कार। मानो चैतन्य को चमका दिया गुरुदेव ने हो, अध्यात्म है फैला दिया गुरुदेव ने हो,
मची हलचल कुरीतियों में, मची हलचल कुरीतियों में निराकरण पुस्तक में आया। पुस्तक है इंटरव्यू का संकलन, डॉक्टर हुकम चंद ने गाया। ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इस गीत की रचना आदरणीय छोटे दादा ने की है। यद्यपि इस गीत के पूर्व भी आत्मा के स्वरूप को बताने वाले आत्मकीर्तन और मेरा धाम जैसे गीत थे, परंतु इस कृति ने जनमानस पर जो गहरा प्रभाव डाला है वह अन्यत्र दुर्लभ है। समयसार आदि अध्यात्म शास्त्रों में वर्णित जीव तत्व के सच्चे स्वरूप का वर्णन इस कृति में चंद पंक्तियों में ही किया गया है। जो कोई भी मोक्षार्थी जीव हो वो इस कृति को पढ़कर अपनी आत्मा के विशुद्ध और अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानकर उसी में लीन हो सकता है। परम भाव प्रकाशक नए चक्र डॉक्टर हुकमचंद भारेल द्वारा रचित यह अनुपम कृति, जिसकी विषय वस्तु का अध्ययन करना आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है, सारी की सारी नयों की संपत्ति को समेटकर हमें प्रदान किया, ये हमारा महान सौभाग्य है कि हमें एक ही कृति में वो समस्त विषय वस्तु प्राप्त हो जाती है जिसके बारे में आचार्य देव लिखते हैं, जीर्णा दिठ्ठि विहीणा दानना बत्थु सहाब उपलब्धि बत्थु सहाब विहूणा सम्मा दिठ्ठि कहम हुंती। ऐसी विषय वस्तु को प्राप्त करना हमारा सौभाग्य है। आज अगर आचार्य कुंद देव द्वारा विरचित समय सार ग्रंथादिराज की 415 गाथाओं का मर्म जानना है तो हमें समय सार अनुशीलन का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि इसी के अंदर आचार्य अमृत चंद देव, आचार्य जय सिंह, साथ ही साथ पंडित जयचंद जी छाबड़ा, पंडित बनारसी दास जी, पंडित वृंदावन दास जी, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और यहाँ तक कि आदरणीय छोटे दादा ने जो अनुशीलन का कार्य किया है वो हम सभी के लिए ध्यान का ध्येय है। इस प्रकार आपने देश और विदेश में सब जगह ख्याति प्राप्त करी और ना जाने कितने पुरस्कार और उपाधियों से सम्मानित हुए। विद्यावारिधि महामहोपाध्याय, विद्यावाचस्पति, परमागम विशारद, तत्ववेत्ता, जैन रत्न, अध्यात्म शिरोमणि, वाणी विभूषण इत्यादि। आप तो एक सहज पुरुष की प्रतिमूर्ति रहे हैं। आदरणीय दादा सरलता, सादगी और समर्पण के मानव अवतार हैं। 30 वर्ष की उम्र से आज तक एक भी दिन का अवकाश आपने नहीं लिया, यहाँ तक कि स्वयं के विवाह के दिन भी आप कार्य करते रहे। काम करने वाले पूरे स्टाफ को मिलने वाली छुट्टियों में कार्य करने पर अतिरिक्त नगद राशि दी जाती थी, परंतु आज तक आपने ऐसी कोई राशि नहीं ली। यहाँ तक कि आपने उस समय भी काम किया है जब तेज गर्मी में कमरे में पंखा तक नहीं था, यहाँ तक कि जब श्रोता आपके प्रवचन सुनने आया करते थे तो एक समय आपने उनके लिए अछाप बिछाना, यहाँ तक कि झाड़ू लगाना, यहाँ से लेकर ग्रंथ विराजमान करने तक का कार्य आपने किया है। वास्तव में आपकी सरलता, सहजता, धैर्य, समर्पण जैसे गुण जो कि सैकड़ों प्रसंगों में दिखते हैं वे हमारे लिए वंदनीय हैं, अनुकरणीय हैं। स्मारक में हमारे दो मुनिराज का आगमन हुआ। मुनिराजों ने उनसे आग्रह किया कि आप सच्चे तत्व को जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, इसलिए आप दीक्षा ले लीजिए और हम आपके शिष्य बन जाते हैं भाई, तो हम सच्चे मुनि धर्म का स्वरूप पालन कर सकेंगे। लेकिन दादा का स्वास्थ्य उस समय ठीक नहीं था, इसलिए दादा ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और मुनिराजों के साथ पूर्वक पूरा सहजता पूर्वक व्यवहार किया, उनका मान किया, सम्मान किया। इस तरह हम देखते हैं कि उनकी बात की अवज्ञा भी नहीं होने दी और अपनी बात का मान भी रख लिया, और मुनिराजों के साथ पूरा सहजता पूर्वक व्यवहार करना ये हमें दादा के जीवन से सीखना चाहिए। एक बार का प्रसंग है, किसी घटना विशेष के कारण कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए मोर्चा लेकर आ गए और स्मारक की मूर्तियों को तोड़ने की बात करने लगे। बस फिर क्या था, सभी विद्यार्थियों ने एक स्वर में कहा, हम सर डटकर सामना करेंगे लेकिन मूर्तियों को कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा कहकर हाथों में जो मिला लकड़ी, पत्थर, लोहा सब लेकर गेट पर तैनात हो गए। उसी समय दादा ने बड़े गंभीर स्वर से आग्रह पूर्वक सबको रोकते हुए कहा कि सभी अपने कमरों में जाएं और
हो सके तो कुंडी भी लगा ले, क्योंकि जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। एक मूर्ति टूटेगी तो हजारों मूर्तियां बन जाएंगी, लेकिन यदि जीते जागते भगवानों को कुछ हो गया तो हम उन्हें कैसे वापस लाएंगे? घर वालों को क्या जवाब देंगे? इस घटना से यह स्पष्ट झलकता है कि दादा एक एक बच्चे में भविष्य का विद्वान और भावी भगवान देखते हैं और गंभीर परिस्थितियों में सटीक फैसले लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे गुरुदेव श्री लिया करते थे। आनंदमय डॉक्टर भारेल्ले के जीवन में एक तीसरा पड़ाव आया जिसने उनके चित्त को झकोर कर रख दिया। बात है 28 नवंबर 1980 की, जब उनके धर्मगुरु आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का देह परिवर्तन हुआ। उनकी जलती हुई चिता को देख जहां संपूर्ण समाज शोकाकुल था, वहीं आपने उस चिता के समक्ष एक संकल्प लिया। अश्रु प्रवाह अब अल्प किया, सामने तभी संकल्प लिया। जब तक शरीर में रक्त शेष, हर क्षण होगा मेरा विशेष। आत्मानुभूति की राह लिए, जिन तत्व प्रचार प्रवाह लिए। वैसे तो डॉक्टर भारेल्ले इस संकल्प के पूर्व से ही तत्व प्रचार का कार्य करते आ रहे थे, पर अब यह उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया, आत्मानुभूति, तत्व विचार और तत्व प्रचार। आपने एक शिल्पकार के रूप में सहस्त्रादि विद्वानों का निर्माण किया, एक गुरु के रूप में उनको जीवन उपयोगी शिक्षा दी, एक गणधर के रूप में उनको मोक्ष मार्ग बताया, एक पिता के रूप में उनको वात्सल्य दिया और एक युग पुरुष के रूप में आदर्श विद्वान का पद स्थापित किया। संपूर्ण जैन समाज और आपके छात्र इस उपकार के लिए आजीवन आपके ऋणी रहेंगे। संकल्प दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी आज संकल्प लेते हैं कि मैं देवशास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक मेरे गुरुवर डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल्ले के 87वें जन्मदिन संकल्प दिवस के अवसर पर आजीवन तत्व ज्ञान प्रचार करने का संकल्प लेता हूँ। संकल्प लेता हूँ। संकल्प लेता हूँ।